हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो मेरी आंखें ठीक से खुल नहीं रही हैं क्योंकि मतलब बहुत लाइटनिंग आ रहा है यहाँ पे। तो क्या है, आज है गणेश चतुर्थी, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके सभी परिवारजनों को। और हमारी सोसाइटी में छोटा सा फंक्शन हो रहा है गणेश चतुर्थी का, तो वही आज सेलिब्रेशन होगा। आज फर्स्ट डे है, कल सेकेंड डे विसर्जन होगा, तो जो जो होगा मैं आपको दिखाऊंगी। तो जल्दी से नीचे जा रही हूँ और फिर शूट करते हैं और दिखाते हैं आपको, तो बने रहिए इस व्लॉग। तो ये था फ्रेंड्स मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और मैंने बनाए थे बेसन के चीले। और ये मैंने न्यू पैन निकाला है प्रेस्टीज का, और इसमें जो चीले बने थे ना वो बहुत ही कुरकुरे बने थे, जबकि मैंने कोई चावल का आटा भी यूज़ नहीं किया था इसमें, बहुत ही यम्मी बने थे। और ये किटी है, बाहर क्लीनिंग हो रही है, उनको देख रहे हैं। तो अभी हम लोग हॉल में पहुंच गए हैं और पंडित जी हमारी बिल्कुल मैचिंग करके आए थे। हमने जो है डिसाइड किया था कि हम सैटरडे को पहनेंगे ग्रीन कलर और हम लोग संडे को पहनेंगे येलो कलर, तो पंडित जी ने हमारे साथ बिल्कुल मैच किया है यहाँ पर। और ये है डेकोरेशन जो कि हमने खुद ही की थी, और ये सारा जो ऑर्गेनाइज़ किया था वो हम सभी रेजिडेंट्स जो है मेम्बर्स हैं उन सब ने मिल के किया था, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया और इतनी बरकत दी बप्पा ने कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था गणपति जी का जो कि इतना अच्छा रहा कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और बप्पा जी चाहेंगे तो हर साल अब ऐसे ही सेलिब्रेशन होगा, बल्कि और भी बढ़ चढ़ कर होगा, क्योंकि तब बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स आ चुके होंगे हमारी सोसाइटी में। अभी हम सब जो है बप्पा का वेट करें, और ये लो बप्पा आ गए। अभी जो मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो ये संडे को बना रही हूँ। अभी बप्पा जो हैं चले गए हैं, बप्पा नेक्स्ट ईयर आएंगे, और इतना सूना सूना लग रहा था ना वहाँ, बप्पा की कमी इतनी महसूस हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती, और इतनी रौनक लगी रही। सभी लोग थोड़ी थोड़ी देर वहाँ पर बप्पा के पास बैठते थे, और मेल्स वहाँ पर रात को सोए भी हैं बप्पा के पास, तो मतलब हमने बप्पा को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना जैसे अलग अलग रिलीजन के लोग सारे मिल गए हैं और सबका एक परिवार बन गया है। कोई बंगाली है, कोई गुजराती है, कोई हिंदू है, कोई पंजाबी है, कोई सिख है, लेकिन सब एक परिवार के सदस्य हैं, बिल्कुल वैसा फील हो रहा था। नो डाउट जन्माष्टमी के दिन भी हमने बहुत इंजॉय किया था, लेकिन जो गणेश चतुर्थी का और ये जो गणेश फेस्टिवल था ना, इसकी बात ही कुछ और थी। चावल रखने हैं क्या? भैया बोलो, और सामने रखाना। चावल दिए, चावल क्या करना? संकल्प करना। और आप खोलना इनके सामने करते हैं, बिल्कुल सामने रखते हैं। इनका मुख खोले तो इनके मोदक और भारत का मोहन सामने जब वो तिलोटा से जल रहे थोड़ा छिटा लगा दो पड़ोसी ध्यान दे जवाब कर
हमारी सोसाइटी में एक वर्षा जी, उन्होंने अपने घर में गणपति बिठाए थे, तो इसके बाद हम उन्हीं के घर गए थे, तो मैं भी आपको उनसे मिलवाती हूँ। पहले आप मिलिए केशव जी से। ये है केशव जी और ये देखिए कितने सुंदर हैं, बहुत ही क्यूट हैं। और ये हैं गणपति जी जो कि उन्होंने अपने घर में विराजमान हैं उनके, और ये ट्यूसडे को विसर्जन होगा इनका। सो फ्रेंड्स, अभी आ गए हम लोग घर और बज रहा है कुछ 1:15। और मुझे वैसे तो मैंने आज ऑफ ले लिया था, लेकिन मुझे कुछ PIs भेजने हैं तो मैं भेज रही हूँ मार्केटिंग को। और अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं। शाम को बप्पा का मुझे भोग बनाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो शाम को भोग बना कर लेकर जाऊँगी। थोड़ा सा शूट कर लूँगी, दिखाऊँगी आपको। अब शाम की आरती होगी। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, और मैं तो हमेशा अच्छा लगता ही हूँ। आज भी लग रहा हूँ। अभी वैसे मैंने कुर्ता पहना हुआ था, बट अभी थोड़ी गर्मी लग रही है तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया। तो आप सबका गणेश चतुर्थी बहुत अच्छा जाए, बहुत बढ़िया जाए, और बस
गणपति जी आपको बहुत सारी खुशियां आपके घर में लेकर के आए, सब कुछ जो आप चाहते हैं वो मिले, उसके लिए थोड़ी मेहनत करिए पर जरूर मिलेगा और हाँ। जरूर मिलेगा। बस अब जो है मेरे को रात को मैंने छोले चावल बनाए थे, छोले रखे हैं, और सुबह मैंने चीले बनाए थे तो चीले का बैटर भी रखा है, तो लंच वही हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, अभी हमारे एक नेबर आने वाले हैं तो उनको कुछ देखना था मैट्रेस वगैरह। सो फ्रेंड्स मैंने ये बना दिया भोग का हलवा बप्पा के लिए, और आपको देखकर लाइक पता चल ही रहा होगा कि इस भोग का टेस्ट क्या है। बहुत ही स्वाद लग रहा है देखने में, और बप्पा ही खा के बताएंगे कि उनको कैसा लगा। और अभी जब थाली लगाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। मैंने यहाँ पर आलू को बॉईल कर लिया है और आटा भी बना कर रख लिया है।